न्यूज फोल्डर के न्यूज रूम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त गुलशन सैफी। अब बात करेंगे दिल्ली इलेक्शन की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकतें झोंक दी। दिल्ली की सड़कों पर लंबी लंबी रैलियां नजर आने लगी। इसी वानगी में द्वारका विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आदर्श शास्त्री ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान काफ़ी भारी संख्या में कारों का काफिला उनके साथ रहा और जगह जगह उन पर फूल बरसाए गए, साथ ही कई जगह उनका स्वागत लड्डुओं से किया गया। इस मौके पर अपार जन समर्थन और जोश देखते ही बनता था। हमारी संवाददाता किरण शर्मा ने इस रैली को कवर किया, देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने झोंक दी अपनी ताकत। इसी वानगी में आदर्श शास्त्री जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने द्वारका विधानसभा में एक विशाल रोड शो किया। गाड़ियों का काफिला, जोर शोर से प्रचार, जगह जगह फूलों की बरसात और लड्डू खिलाकर किया गया स्वागत। द्वारका विधानसभा में रोड शो के दौरान टीम आदर्श शास्त्री जोश में नजर आई। हम आपको बता दें कि आदर्श शास्त्री ने व्यापक पैमाने पर चुनाव प्रचार किया है। ताबड़तोड़ जनसभाएं, एक के बाद एक स्टार प्रचारक, फिल्मी सितारे। आदर्श शास्त्री ने गली गली घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधा है। देखने वाली बात होगी कि 8 फरवरी को मतदाता उनके लिए क्या कहते हैं, लेकिन खुद अगर आदर्श शास्त्री की बात मानी जाए तो 45% लोगों की वह पहली पसंद है। जहां देखो वही तिरंगा और जहां देखो कांग्रेस का झंडा। अपना नेता चुनने में लगाना है। मैं किसी पार्टी के लिए अपील नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के लिए अपील नहीं कर रहा हूं, मैं एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अपील कर रहा हूं, एक अच्छे लोग के लिए अपील कर रहा हूं। और मेरा ये विश्वास है कि अगर हमने इस शख्स को खो दिया तो द्वारका विधानसभा को खून के आंसू रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए साथियों याद रहे, वोट सिर्फ आदर्श शास्त्री को, हाथ के निशान पर। थैंक यू। देखिए द्वारका विधानसभा में सभी लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि द्वारका विधानसभा चर्चे में है। द्वारका विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और ये लोग सब विकास की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, काम की राजनीति को सफल बनाने के लिए यहाँ पर मेरे सहयोग में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग समय निकाल कर यहाँ पे आए और द्वारका की हमारी जीत में अग्रसर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सर, इतने दिन कैंपेनिंग करते रहे, किस तरह का लग रहा है कि जन समर्थन मिल रहा है? मैं बहुत बहुत सर झुका के नमन करता हूँ द्वारका की जनता का, जिस तरह से अभूतपूर्व सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। और ये आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है कि ईमानदारी से मैंने 5 साल काम किया, जो 20 साल और बने विधायकों ने नहीं किया। उस ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए, स्वाभिमान के लिए और काम के लिए वो आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को चुनाव के होने के बाद 11 फरवरी के जो नतीजे आएंगे उसमें पिछली बार से भी ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मुझे द्वारका की जनता से मिलेगा। मान लें सर 11 फरवरी को लड्डू खाने को। बिल्कुल 11 फरवरी को आपको लड्डू खाने को मिलेंगे और आप लोग सबको यहाँ पर निमंत्रित है। बहुत देखिए, जब हम आए थे तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, बट अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव काफ़ी उठ चुका है और हम तो उम्मीद यही करेंगे कि जीत सके यहाँ पे, क्योंकि आदर्श ने पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत से काम किया है और आगे भी कर पाए। ढोल नगाड़ों की थाप पर ऐसा माहौल बना कि बस देखते हुए बनता था कि ये कोई विजय अभियान है। आदर्श शास्त्री के समर्थकों में जोश इतना हाई था कि विरोधियों के होश गुम कर दे। नई दिल्ली द्वारका विधानसभा से किरण शर्मा की रिपोर्ट।